हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विट्ठल कुकिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे हेल्दी स्वादिष्ट नाश्ता। वैसे तो इसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये पोहा रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए हम लेंगे मीडियम साइज का 100 ग्राम पोहा। ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटे पोहे ना लें। मैंने यहाँ पर क्रंच बढ़ाने के लिए 50 ग्राम कच्ची मूँगफली ली है, ये ऑप्शनल है। जीरा यहाँ लिया है आधा चम्मच। राई दाना ले ले आधा चम्मच। हल्दी हम लेंगे 1/3 छोटा चम्मच। थोड़ा सा बारीक कटा धनिया पत्ता ले लेंगे। गार्निशिंग के लिए आलू भुजिया ले सकते हैं। चीनी हम लेंगे 1/2 छोटी चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद है तो ना डालें। नमक स्वाद के अनुसार और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। अब हम काटेंगे 1 से 2 मीडियम साइज प्याज, 1 नींबू और 2 से 3 हरी मिर्च। तो ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। हम करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। हमने मीडियम साइज का पोहा लिया है। अगर आपको ज़्यादा नरम पोहा चाहिए तो इसे 2 से 3 बार पानी से धो लें। 5 से 10 मिनट इसे फूलने के लिए रख दें। मूंगफली को हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, या आप पहले से भुने दाने भी यूज कर सकते हैं। अब हम 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और 1 से 2 मिनट उसे गर्म होने देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे जीरा और राई डाल देंगे और उसे चटकने देंगे। अब डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। स्वाद के लिए हम करी पत्ते ऐड कर रहे हैं, पर ये ऑप्शनल है। अब 1/3 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसको हल्का सा भूनना है। आप 1/2 टेबलस्पून चीनी डाल सकते हैं, अगर आपको अपना पोहा हल्का मीठा पसंद है। प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक वो नरम ना हो जाए। हम थोड़ा पानी डाल लेंगे ताकि मसाले जले ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम रोस्ट किए हुए मूंगफली डाल देंगे। अब हम इसमें पोहा डालेंगे जो हमने पहले से भिगो कर रखा था। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे प्याज मसाले के साथ, और अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और ये मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम पैन को ढककर इसे 1 से 2 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर। और ये हमारे पोहे बन चुके हैं। इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर लिया है।
देखिए हमारे पोहे रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसमें हम गार्निशिंग के लिए धनिया, सेब और आधा नींबू रख सकते हैं। पोहे जिस बर्तन में आपने बनाए हैं उससे दूसरे बर्तन में रख लें ताकि पोहे ज़्यादा देर तक नरम रहें। प्लीज़ विट्ठल कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।